बहुत ही मज़ेदार खिलौना है। इसमें हम करीब 11 कीले लेते हैं, 5 इंच लंबी या 4 इंच लंबी कीले लेते हैं और उनको एक एक ख़ास तरह से सजाते हैं जिससे उनको उठा करके हम एक टेक पे संतुलित कर सकते हैं। और ये खिलौना बहुत ही अचरज भरा है क्योंकि आश्चर्य होता है कि इतनी सारी कीले एक ही बिंदु से किस तरह से संतुलित होकर टिक सकते हैं। तो पहले देखते हैं खिलौना है क्या। इसके लिए हमको एक स्टैंड चाहिए और स्टैंड क्या है, एक लकड़ी का छोटा सा गुटका है, एक लकड़ी का टुकड़ा है और जिसमें हमने एक 4 इंच लंबी कील को मध्य में ठोक दिया है तो ये बिल्कुल लंबवत खड़ी हुई है। उसके बाद में हम इसी तरह की कुछ और कीले लेते हैं, एक कील को बिल्कुल सीधा रखा, दूसरी को उसके आड़े रखा जिससे उसका मत्था इसके बाएँ हाथ को हो तो दूसरे का दाएं हाथ को हो, एक का मत्था बाएं हाथ को तो दूसरे का दाएं हाथ को। इस तरह से इस क्रम में इन कीलों को सजाते जाते हैं, एक बाएं तो दूसरा दाएं, एक बाएं तो दूसरा दाएं। अब हम देख रहे हैं कि इस तरफ भी 4 कीले हैं और इधर भी 4 कीले हैं और ये जो कील थी हमारी सीधी कील इसका सिर इस तरफ है तो दूसरी कील का हम जो धार वाला सिरा है वो उस तरफ रखेंगे। अब ये दोनों जो सीधी कीले हैं इनको हम हल्के से उठाएंगे, इनको हल्के से उठाएंगे और जो स्टैंड के ऊपर जो खड़ी कील है उसके बीचों बीच इनको टिकाने का प्रयास करेंगे। अभी आपने देखा कि एक कील गिर भी गई पर ये बहुत ही सुंदर सा, एक तरफ 4 कीले हैं, एक तरफ 3 कीले हैं पर उसके बाद में भी ये थोड़ा सा संतुलित है और इस तरह इस प्रकार ये आप इस मॉडल को ये इस तरह से एक ऐसा लगता है जैसे एक छत हो और छत का ये तो एक खंभा है और उसमें इस तरह से बल्लियाँ जो हैं वो सिर्फ एक टेक पर टिकी हों। आपको ये दिखाई दे रहा है जो ऊपर वाली कील है इसमें बाकी कीलों के जो मत्थे हैं उनके सिर हैं वो फंस जाते हैं, एक तरह से इंटरलॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से ये टिका रहता है। इसको हम इस तरह से घुमा सकते हैं, चला सकते हैं। ये खिलौना संतुलन का खिलौना किस सिद्धांत पर आधारित है इसको समझने के लिए आप सबसे पहले तो मेरी उंगलियों को देखिए। ये मेरी उंगलियाँ हैं, दोनों हाथों की उंगलियाँ हैं, इनको मैं इस तरह से फंसा सकता हूँ पर ये फिर अलग अलग हो जाएंगी। पर अगर इनके बीच में मान लीजिए अगर मैं पेंसिल को, ये देखिए, अगर इन दोनों के बीच में इस तरह से अगर एक पेंसिल फंसी हो और अगर मेरे पोरे जो मेरे उंगलियों के जो सिरे थे पोरे अगर वहाँ पर मत्थे होते तो वो इसमें फंस जाते थे इस तरह से। अब वही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो इसके मत्थे हैं, जो कीलों के मत्थे हैं, वो जो ऊपर वाली कील है उसमें फंसे हुए हैं और गिरते नहीं। तो एक तो इस तरह का इसमें एक फंसाव जिसको हम इंटरलॉकिंग भी कहेंगे, एक तो इसके पीछे ये सिद्धांत है। और दूसरा, कभी आपने सर्कस में देखा होगा या कभी किसी नट को देखा होगा कि वो रस्सी पे चल रहा है और उसके हाथ में एक बांस है और वो बांस को पकड़ करके अपना संतुलन बरकरार रखते हुए एक रस्सी पे, एक तनी हुई रस्सी पे चल पाता है। तो उसका एक कारण यह है कि यहाँ पर जो है ये कीलें एक ऐसे कोण पे आई हैं इस खिलौने में कि इनका जो गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है वो थोड़ा सा नीचे की ओर है। हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी वस्तु का अगर नीचे का हिस्सा भारी होता है वो ज़्यादा पायदार होती है, ज़्यादा संतुलित होती है।
कई आपने खिलौने देखे होंगे कि अगर उसको खिलौने को घूंसा मारो तो वो फिर दोबारा वापस आता है, क्योंकि उसका पेंदा भारी होता है, ज़्यादा पायदार होता है। इसमें भी कुछ कुछ ऐसा है कि ये कीले एक ऐसा कोण लेती हैं कि इसके संतुलन का बिंदु कुछ थोड़ा सा नीचे होता है, इस धुरी के नीचे होता है, उसकी वजह से भी इन खिलौने को हिलाने पर भी देखिए इसका संतुलन बरकरार रखता है। अब यही इसका सिद्धांत है। एक चीज़ इसमें और गौर करने वाली है कि इसमें एक कील तो खड़ी है और उसके बाद में हमको कुल मिलाकर के असम संख्या की कीलें चाहिए। अगर चार इधर हुई तो चार इधर लगा दी, आठ हो गई, एक ऊपर एक नीचे, दस और एक खड़ी, यानी ग्यारह कीलें। पर दूसरी बात हमने ये भी देखी, अगर असम ना भी हो, क्योंकि एक तरफ तीन ही कीलें हैं, एक तरफ चार कीलें हैं, उसके बावजूद भी ये व्यवस्था जो है वो टिकाऊ है, वो टिकी हुई है और अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से संतुलित है। इसमें हमने एक लकड़ी के गुटके का आधार बनाया था। इसकी बेस जो है वो एक लकड़ी का गुटका था जिसमें हमने एक कील ठोकी थी। अब अगर लकड़ी की बजाय हम चाहें तो पुरानी रबर की चप्पल में एक कील ठोंक करके उसका भी एक आधार बना सकते हैं। ये देखिए, ये रबर की चप्पल है, एक और उसमें रबर का टुकड़ा जोड़ दिया है जिससे कि ये मोटा हो गया है और उसमें हमने कील को गाड़ दिया है। तो बिल्कुल ये आसान है और इसमें भी हम उसी तरह से कीलों को फंसा करके ये देखें कीले हैं और इनको उठाएंगे और उठा करके इसके ऊपर इनको टिकाने का प्रयास करेंगे। आप यहां ये भी देखेंगे ये जो कीले जो बाहर निकल रही हैं ये सब एक कोण पे नहीं है, पर ये अपना जैसे कि किसी पक्षी के पंख होते हैं तो ये अपना कोण स्वयं ले लेती हैं जिससे कि इनमें एक संतुलन पैदा हो। ये खिलौना जो है इसको हम एक बार दोबारा बना के देखेंगे कि अगर आपको इसमें कोई कठिनाई महसूस हुई हो तो उसको आप समझ जाएंगे।